एक बात आप याद रखिएगा, मैं अपनी बहन को तो छोड़ सकती हूँ लेकिन आरिश को कभी नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक है, जाओ जाओ आजमा लो, जब तुम मुंह की खाओगी ना तब सारी जिंदगी याद रखोगी। मुंह की तो अब आप खाएंगे। और एक और बात, आज तो आपने ये बात कर दी, आइंदा ये बात करने से पहले सोच लीजिएगा कि अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा शौहर है जो आपकी इस बात पे आपका मुंह तोड़ सकता है। ओ, शौहर? तो फिर जाओ जाओ अपने शौहर के पास, और जब वो तुम्हारे सारे पैसे हथियाकर तुम्हें रोड पर ले आएगा ना, शायद तब तुम्हें बात समझ में आएगी। आप बेफिक्र हैं, मैं उसे इतनी तकलीफ दूंगी नहीं, सब कुछ खुद ही उसके नाम कर दूंगी। संभालो अपने शौहर को, नहीं तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। सुनो, तुम परेशान मत हो ना, मैं सब संभालूंगी, बल्कि तुम कुछ कहना ही नहीं, ठीक है? उसे बोलने देना, और जब वो पूरी बात खत्म कर ले तो मैं हंस के बोल दूंगी कि एहसान ने तो बकवास की है। हाँ आज मैं सच कह रही हूँ, ये देखो मैं डिलीट कर रही हूँ, अभी डिलीट कर रही हूँ मैं। टेप कर रही थी। I'm sorry, मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब सही हो गया है। मुझे अच्छा लगता है कि तुम लोग मुझे अच्छे लफ्ज में याद करो, मैं तुम लोग की नजरों में बुरी नहीं बनना चाहती, मैं सब संभालूंगी, आई प्रॉमिस। आरिश आओ नजा, क्या हुआ इतनी देर कर दी, हम कब से इंतजार करते तुम्हारा, क्या हुआ, कोई बात हुई है, परेशान दिख रही हो। आरिश जरा इधर आना, मैं तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है, यही कर लो ना, ये हमारी आपस की बात है। आरिश इधर आओ। क्यों, मैं कोई आउटसाइडर हूँ? ऐसी क्या बात हो सकती है जो तुम यहाँ नहीं कर सकती? एहसान साहब ने कुछ कहा है? मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा है।